वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। और उसके साथ साथ आज हम आपके साथ एज यूजुअल बहुत सारी बातें करने वाले हैं, रिसर्च शेयर करेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के फायदे भी बताएंगे और कुछ के नुकसान भी बताएंगे और जो इत्तेदाल वाला रास्ता है वो अख्तियार करने की भी तलकीन करेंगे। जनाब, एयर कंडीशन का इस्तेमाल नो डाउट हर घर में बहुत अशद ज़रूरत बन चुकी है। गर्मी की सिचुएशन इतनी ज़्यादा होती है कि हर घर हो वहाँ पर एक ना एक एयर कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी वजह से जनाब हमारी ज़िंदगियों में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी तरक्की भी कर दी है, बहुत सारी ईज़ भी पैदा कर दिया है। लेकिन इस ईज़ के साथ साथ कुछ बढ़ती हुई जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। और वो ख्याल ये है कि अब जनाब आप हर जगह एयर ही कंडीशन होते हैं और एयर कंडीशन के इस्तेमाल में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप हॉस्पिटल्स में जाएं खुदा ना खास्ता, या आप अपनी जॉब की क्राइटेरिया को देख लें, ऑफिसेज को देख लें, अपने काम करने की जो भी जगह है जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर एयर कंडीशन का इस्तेमाल होता है। घरों में जाएं वहाँ पर, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, हर एक के घर में एक आध तो एसी लाजमी मौजूद होता है। और उस एसी में से निकल के आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में भी एसी है, एसी से निकले तो फिर आपने चले जाना ऑफिस या कहीं भी आप काम करते हैं जहाँ पर, वहाँ पर आपको फिर एसी मिल रहा है। तो लेकिन जो इस बीच में आप गर्मी में आपका जो एक्सपोजर होता है तो वो जो गर्म सर्द होती है ना आपकी बॉडी, उसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अब हमारे लिए ज़रा सी भी जो गर्मी होती है ना वो बड़ी उलझन का बायस बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली गर्मियों में गर्मी पहले भी पड़ती थी लेकिन तब शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और हमारी बॉडी को इतनी आदत भी नहीं थी उस तरह से रहने की। लेकिन अब चूंकि हम इतना अपने बॉडी को आदी बना चुके हैं कि हमें हर वक्त एक ठंडे माहौल में रहने की आदत होती है, तो जैसे ही हमारा ज़रा सा गर्मी में एक्सपोजर होता है हम बिलबिला उठते हैं कि जनाब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लेकिन उसकी वजह ये भी होती है कि हमें एयर कंडीशन का इस्तेमाल जो है वो बहुत एतदाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी बॉडी के फॉर द लॉन्गर रन बहुत सारे नुकसान को बढ़ा देता है। हम जब गर्म सेट की बात करते हैं इसके साथ साथ ये मिसाल आते रहते हैं कि अगर आप उसके फिल्टर की ज़्यादा अर्से तक सफाई नहीं करते एयर कंडीशन की तो बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो उसमें परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं आपकी, क्योंकि आप एक कमरे में बहुत सारे लोग भी होते हैं, चाहे दो तीन लोग भी हैं, लेकिन हर एक का एक फ़िल्टर सिस्टम तो होना चाहिए। एयर कंडीशन में होता भी है लेकिन एट द एंड वो फ़िल्टर सिस्टम भी एक मुद्दत तक के लिए होता है, तो उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जरासीम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। मुस्तकिल बैठने से आपको थकावट का एहसास भी होता है और आपके सर के अलावा जिसमें भी आपका हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडे मौसम से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ नॉर्मल भी फील होता है। इवन आपके बालों का, आपकी स्किन का, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है अगर आप ज़्यादा देर एयर कंडीशन में बैठते हैं, या आपका 24 आवर का एक रूटीन है तो उसकी वजह से आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। फिर उसके साथ साथ आपके बालों को भी धूप की ज़रूरत, वाइटमिन की ज़रूरत होती है, या जो भी एक्सपोजर है आपको ज़रूरत है वो भी अगर आपका नहीं हो रहा तो आपके बाल भी बेरौनक और तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो लिहाजा हमारा ये तमाम तर बातें करने का मकसद ये नहीं था कि आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन एक इत्तेदाल के साथ करें कि जब आपको फील हो कि मौसम थोड़ी बेहतर सिचुएशन में है आप एयर कंडीशन बंद करें, थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा एक हो ताज़ी हवा में भी सांस लें, क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ में रह रहे के भी इंसान की बॉडी जो है इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है कि आप। और सबसे बढ़कर टेम्परेचर बहुत मैटर करता है कि अगर आप 24 से 26 के दरमियान में टेम्परेचर रखते हैं और उसके साथ हल्की रफ्तार से पंखा चला लेते हैं तो ये बेहतरीन एक आप उसको कह लें चीज़ हो सकती है, जिससे आपका जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो भी बैलेंस रहता है और साथ साथ आपकी बिजली की बचत भी हो जाती है, वरना बिजली का बिल बहुत आता है। अक्सर घरों में हर गर्मी के बाद यही होता है कि जनाब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो जब 24 घंटे एसी चलेगा तो बिजली का बिल आएगा। वैसे अगर आप रात को भी टाइम भी एसी चलाएं तब भी बिल बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं क्या साइंस है, ये आज तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन बातों की बात और इस बात का, इस इतनी लंबी तमीज का निचोड़ यही है कि जो एसी का इस्तेमाल है, एयर कंडीशन का इस्तेमाल है, बहुत इत्तेदाल के साथ करें, ज़्यादातर उसमें ना बैठें, गर्मी में निकलें, अपना ख्याल रख के ज़रूर निकलें लेकिन कोशिश करें कि आपका धूप में भी एक्सपोजर हो और उसके साथ साथ 24 से 26 के दरमियान टेम्परेचर होना चाहिए, साथ हल्का सा पंखा चलाने से आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी बैलेंस रहता है, वरना खुदा ना खास्ता आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो जनाब ये तो थी एयर कंडीशन के हवाले से आपको कुछ तलकीन हमने कर दी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताते चलें कि जानवर पालें बीमारियां दूर भगाएं। अब ये क्या साइंस है ये भी हम आपको बता देते हैं कि कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके घर में अगर एक पालतू जानवर मौजूद है तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और ये क्या बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से हो सकती हैं, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ये एक फैशन बन चुका है कि हर घर में एक आध ना पेट जरूर होता है,
चाहे वो कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी तरह का पेट आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो डॉग्स प्रेफर करते हैं कि उनके घर में, और डॉग लवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ना सिर्फ ये, कुछ लोग इसको कह लें मुआशी सोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसको एक प्रॉपर उन्होंने बनाया होता है कि जिसमें अफजाइश करके उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं और अपना इकोनॉमिक जो है कि बेनिफिट वो हासिल करते हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कुछ लोग शौकीन भी होते हैं। अच्छा, डॉग कुत्ता रखने के आपको फायदे बता देते हैं। घर पर क्या होता है कि आप जब कुत्ता होता है आप उसको वॉक करने के लिए निकलते हैं तो आप खुद भी साथ निकल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है। अब मैंने कभी पेट रखा नहीं है तो इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग जिनके पास है पेट तो उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह का होता है। जनाब, जब आप खुद वॉक करेंगे तो आप खुली फिजा में जाएंगे, आपका दिमाग भी तरोताज़ा होगा और तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर भी होंगी। और इसके अलावा वाइटामिन की मखसूस सतह जो है डिप्रेशन में काबू कर पाने में मदद देती है। तो जब आपका ऑब्वियसली बाहर एक्सपोजर होता है तो ये सारी चीज़ें भी जनाब होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपके पेट्स होते हैं उनके साथ तो बहुत सारे लोगों की, वैसे मैंने कुछ एक दो ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मेरे एक सोशल सर्कल में है कि वो कैथारसिस कर रहे होते हैं जानवरों के साथ बैठ के, अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास पेट है या आपने कोई जानवर या कोई सब परिंदा कोई भी चीज़ रखी हुई तो आप उसके साथ बात करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो आपकी जो जहनी कशीदगी है उसको कम करने में भी मददगार साबित होता है। जिन मुलाजमीन के घर कोई भी पालतू जानवर मौजूद होता है उनके काम के दौरान जहनी दबाव की कैफियत ऐसे मुलाजमीन के मुकाबले में कम पाई जाती है जिनके घर कोई पालतू जानवर नहीं होता। और वालदैन अपनी मसरूफियत के बावजूद बच्चों के साथ कम वक्त गुजारते हैं, लिहाजा बच्चे जो है अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड से फील करते हैं। लिहाजा पेट्स की मौजूदगी से वो बहुत कुछ सीखते भी और उनकी तन्हाई जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाती है। और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, नो डाउट आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जानवरों से भी सीख सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन है या कोई ऐसी चीज़, ये आपको जानवर भी सिखा सकता है। एक छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको, अच्छा इसके साथ साथ जनाब हमारे सेहत का ख्याल रखने के लिए खाना देना ये सारी चीज़ें हमें एक वो कह लें ना शेयरिंग की। अब मैंने अक्सर हमारे घर पे एक तोता आया था तो मुझे याद है कि मेरे नीस और नेफ्यूज फ़ौरन जब भी कोई चीज़ खाने को मिलती थी तो वो भाग के तोते के पास जाते थे, उसके साथ शेयर करके खाते थे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ बच्चों में आती है कि हाँ हमारे पास कोई पेट है या हमने कोई ऐसा परिंदा रखा हुआ है, कैसे जानवर रखा है, तो आप उसके साथ शेयर करें। फिर उसके साथ बातें करना, बच्चे जो हर वक्त टैब्स और मोबाइल फ़ोन्स पे लगे रहते हैं उससे भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आती है कि आप पेट्स के साथ एक कंस्ट्रक्टिव टाइम गुजारते हैं, कुछ गेम्स खेल लेते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उनकी ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं। कुत्ता रखना या दीगर पेट्स रखना ये डिपेंड करता है आपको किस तरह का पेट पसंद है, लेकिन मेजॉरिटी पेट लवर्स जो होते हैं वो डॉग को प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई पर होता है ऐसा। अच्छा जनाब, बस सेहत की बात करें तो सेहत के हवाले से बहुत सारी जो है हमारी अब जो कह लें ना लापरवाहियाँ होती हैं जो हम अपने साथ बरतते हैं और फिर उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। कुछ ऐसा इस्तेमाल हम बार बार कहते हैं, फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा शामिल कर लेते हैं और उसके बाद हर खाने के साथ हमें चाहिए, हर खाने को हजम करने के लिए हमें चाहिए। तो ये इनके नुकसानात क्या हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के एक्स्ट्रा इसका एक्सेसिव यूज़ जो है वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अवैस साबित जो कि कंसल्टिंग फिजिशियन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर अवैस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स इनकी हम बात करते हैं, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल कितना नुकसानदेह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, फास्ट फूड का ट्रेंड जो है ऑन द राइज है, खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अगर हम प्रोग्रेसिव डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ उनके नुकसानात का जो है उन्होंने असेसमेंट की और फिर उसको डिस्करेज करने की जो है ना वो मतलब तरकीब जो है वो सोची जा रही है। फास्ट फूड खासतौर पर फिजी ड्रिंक्स जो हैं और ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में जो हैं रेडली अवेलेबल हैं, ईजी टू कंज्यूम है और यूज़ हैं, तो उनके जो नुकसानात में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ओबेसिटी है, मतलब मोटापा जो है वो बड़ा कॉमन है उसके साथ। एक कैन जो है पेप्सी का या आप कोई भी फिजी ड्रिंक ले लें उसमें तकरीबन 17 चम्मच चीनी के होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी मकदार है जो हम थोड़ी सी देर के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। जब बॉडी के अंदर हम ये सारी चीज़ें लेके जाते हैं तो एक इंसुलिन रिएक्शन डेवलप हो जाता है, वो इंसुलिन रिएक्शन जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत चीज़ें जो है वो करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से ओबेसिटी एक मेन चीज़ है। ओबेसिटी के रिस्क के इंक्रीज़ के साथ डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ जो है फिर इसके अलावा बाकी और चीज़ें, इसमें फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी हड्डियों की कमजोरी का बायस बनता है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स ठीक भी हो तो फॉस्फोरिक एसिड बोन्स की मिनरलाइजेशन जो है उनको नहीं होने देता है, जिसके साथ हड्डियों की कमजोरी जो है होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे लोगों को, क्या वजह है? कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो क्रेविंग हो रही होती है इसकी वजह से? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो डाइट
सोडाज हैं वो जो हैं उनके अंदर एक केमिकल है जिसको एस्पार्टेम हम कहते हैं। अब जो एस्पार्टेम है वो वक्ती तौर पे आपकी जो शुगर है उसके लेवल्स को तो रिड्यूस करता है क्योंकि उसके अपने अंदर इतनी ज़्यादा शुगर होती नहीं है, लेकिन ये शुगर की क्रेविंग को बढ़ा देता है। इसलिए डिस्करेज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को कि वो डाइट ड्रिंक्स जो हैं वो ना लें, क्योंकि उसके बाद आपकी जो शुगर की क्रेविंग है इन द फॉर्म ऑफ कोई और चीज़, मतलब आप मीठा खाने की जो आपकी जो क्रेविंग है वो बढ़ जाती है। दूसरा, गर्मी के मौसम में जब हवस होता है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक आम ख्याल ये है कि एक ईजीली अवेलेबल ड्रिंक जो है वो ले ली जाए, इनफैक्ट ये आपकी बॉडी को मज़ीद डिहाइड्रेट कर देती है। इसके अंदर कैफीन की मकदार ज़्यादा होती है। कैफीन जो है एज ए डायूरेटिक यानी कि पेशाब आवर दवाई के तौर पे काम करती है, और जब ये पेशाब आवर दवाई होती है और डिहाइड्रेशन की मौजूदगी में जब हम इसको लेते हैं तो चूँकि पानी का ज़्याद जिसम में से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी क्रेविंग और बढ़ जाती है। इसलिए बेहतरीन जो आपकी ड्रिंक है जो आप डिहाइड्रेशन में ले सकते हैं, या तो वो होम मेड की रेमेडीज़ हैं जिस तरह से कंजवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या पानी का इस्तेमाल है, तो ये क्रेविंग जो है वो बढ़ने की वजह ये होती है आमतौर। अच्छा डॉक्टर, वैसे हम नॉर्मली ये बात करते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डाइट का कॉन्सेप्ट, डाइट कोक का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं, शुगर अमाउंट उसमें कम होती है, क्या वजह आता है कि जो डाइट की तरफ रिकमेंड कर दिया जाता है? शुगर वाले मरीजों में एक कॉन्सेप्ट है ग्लाइसेमिक लोड का, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। हम सब लोगों को यही बताते हैं कि जिन भी खानों में कार्बोहाइड्रेट लोड या ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है उसमें चूंकि इंसुलिन जो है रेडिली अवेलेबल नहीं होती शुगर के मरीजों में, इंसुलिन या तो गोलियों की फॉर्म में रिलीज़ कराई जाती है या इंसुलिन बाहर से ली जाती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब जब भी हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, मसलन आम एक मिसाल है, या कोई फिजी ड्रिंक हम ले लेते हैं, तो एकदम से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उनके अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स नहीं होते कि उस शुगर के लेवल को फ़ौरन से कंट्रोल कर सकें। अब उस शुगर को रिड्यूस करने के लिए डायूरेसिस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। फिर इन लोगों के अंदर शुगर वाले मरीजों के अंदर स्टोर्स जो हैं उनकी बड़ी कमी होती है, मतलब एक आम बंदा जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन और मिनरल्स स्टोर कर लेता है, एक डायबिटिक पेशेंट उसकी नस्बत कम चीज़ें स्टोर करता है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, एक फिजी ड्रिंक जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई आपको न्यूट्रिशन के हवाले से कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसी चीज़ें डिस्करेज की जाती हैं और वो चीज़ें इनक्रेज की जाती हैं जो आपके स्टोर्स में इजाफा करें। तो जब हम फास्ट फूड या फिजी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, और डाइट सोडाज भी इवन जो है, जो कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं है, तो अल्टीमेटली दे एंड अप इन वीकनेस, वो उन लोगों को कमज़ोरी का बायस बनती है। इसके अलावा बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह बिनाई की कमज़ोरी है शुगर के मरीजों में होती है, किडनी पे इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जो गुर्दों का मसला है उसमें भी एक्सेलरेशन हो जाती है जब हम फिजी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं उसके साथ। अच्छा डॉक्टर, छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अवॉइड नहीं करते हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स पे लगाया होता है, बच्चे पीते रहते हैं पूरा पूरा दिन, उनका होता है खाने के साथ, या जब भी उनको मौका मिले वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं, बच्चों के लिए कितना नुकसान है, क्योंकि कैल्शियम की भी एक मेजर जो कमी है उसका भी बायस बनती है। जैसे भी पहले बताया था कि फॉस्फोरिक एसिड जो है उसकी मौजूदगी में कैल्शियम जो है बोन्स के अंदर मिनरलाइज नहीं होता, बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता। अब चूंकि इसकी कैलोरिक इनटेक बहुत ज़्यादा है, एक बच्चा जो पेप्सी या कोई और फिजी ड्रिंक लेता है उसके साथ जो है उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मतलब वो शायद खाना खाने की तरफ नहीं जाएगा, उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो एक बोतल ने पूरी कर दी, उसके बाद जब वो खाना नहीं खाएगा उसके बाद अल्टीमेटली वो वीकनेस डेवलप करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है फैमिलीज़ का भी और पेरेंट्स का भी, जो कि इसको डिस्करेज नहीं करते हैं, या ईजीली चूँकि वो एक्सेसिबल है चीज़, या आपको घर में कुछ बनाना नहीं पड़ता तो आप उसको वो दे दी जाती। अब अल्टीमेटली जब उनकी ग्रोथ स्पर्ट और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जब उसको नहीं मिलती हैं, चिल्ड्रन जो है वीकनेस डेवलप कर जाते हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं चिल्ड्रन में, जिस तरह के मतलब बहुत सारे लोगों में जो है मैदे की बहुत सारी बीमारियां जो हैं बच्चों में होना शुरू हो गई हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो कि न्यूट्रिएंट्स उनमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एंटी ऑक्सीडेंट्स के काम भी करते हैं वो उनको नहीं मिलते हैं, और फ्री रेडिकल्स जो हैं जो कि इन फिजी ड्रिंक्स में अक्सर होते हैं जो कि इंजरी अंदर इंड्यूस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो कैंसर का बायस भी बनती हैं। तो वो जो है वो जब उनको रेडिली मिलती जाती हैं और वो खाने की तरफ उनकी तवज्जो कम हो जाती है तो उनका इम्यून सिस्टम जो है कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरह से सफर करता है इसके साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वैस, बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर वैस ने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, इवन बच्चों में अब बहुत मेजर इशूज़ हैं ओबेसिटी के, इवन बड़ों में भी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मेजर इशूज़ बड़े, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको डैमेज ही करेंगी, किसी तरह से फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। और जो खाने के साथ जो कॉन्सेप्ट है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स का, इसको तो डॉक्टर साहब ने भी डिस्करेज किया और मैं खुद बहुत डिस्करेज करती हूँ, क्योंकि अक्सर आप दावत पर भी जाएँ घरों में भी जाएँ तो खाने के साथ वो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स रख देते हैं, हालांकि वो बेचारे अपनी तरफ से आपके लिए तमाम कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।